जिप का शॉट। अभी हम जो खड़े हुए हैं उस जगह का नाम है ओद मेहता रोड, और आज का शॉट हमारा बहुत ही अच्छा रहा। हमारा पैकअप भी हो गया, हमने एंजॉय भी किया, बिरयानी भी खाई मिर्चों वाली और जूस भी पिया। पेप्सी बहुत ही अच्छी थी, लजीज पेप्सी थी। अब हम चलेंगे और बात करेंगे फियाज भाई से, जो हमारे शूट के प्रोजेक्ट हेड थे, और बाकी लोगों से भी बात करेंगे, फिर हम चले। और हम चलते चलते पहुंचे तमूर भाई की तरफ। तमूर भाई, आप हमें आज के शूट के बारे में बताएं। देखिए, जो भी भर मसले मसाइल परेशानियाँ के बावजूद एक बहुत अच्छा शो बनाया है हमने, और अगर आप ना होते तो ये मसले ही ना होते। ये तो बड़ा सतजार है, आपने तो पहले हमें बताया ही नहीं। देखिए, आपकी वजह से जो जो कुछ हो गया, देखिए कम से कम 25,000 धर्म का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो खुला तजार था आजकल की महंगाई में। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू छोड़ें, महाराज बबूशा की तरफ चलते हैं। आइए जी, महाराज बबूशा की तरफ। मैं फिर महाराज बबूशा की तरफ चल पड़ा, टांगों में दर्द भी रहा, लेकिन फिर भी हम चुप चुप करके चलते हैं। बड़ा शुगर कोटेड सी बात है, लेकिन दिल दर्द हो रहा है। आज पैकअप है और हम बड़े अफसरदा से हैं। आज फयाज भाई से भी बात करनी है अकेले में, कुछ शायद भलाई हो जाए। पैसे लेना है, पैसे। हम फिर थके हारे चले, टांगों में दर्द भी रहा, उफ भी किया, और बीच में लोग भी आए। अभी हम बात करेंगे महाराज बबूशा से। महाराज, ये मेरे भाई बबूशा हैं, नाग बग्गर। आइए, हम लोग यहाँ से दोनों चीनिया के बागों से निकल के आए। और सवाल डाले आप, सवाल महाराज बबूशा दुनिया के खूबसूरत तरीन आदमी है। शुक्रिया। जुमेरा का नीला पानी काला कर दिया उन्होंने एक कदम रख के। नाजरीन, ये बचपन से ही ऐसे हैं। ये वो शख्स हैं जिनको मैं हाथ लगा के मुंह पे लगाऊं तो मुंह काला हो जाता, नजर नहीं लगेगी। ये वो हैं जिनसे रोडे बनती हैं। आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये वो शख्स है। आप आज तक जिन रोडों पे चले हैं वो यहाँ से बनी है। महाराज बबूशा से। महाराज बबूशा के ऊपर जरा मुंह क्लोज होगा। महाराज इनके पास मुंह ले जाके मुंह ऐसा ज्यादा। नाज़रीन, ये 26 शर्टें लाए थे, उनमें से 3 ही देख सके हम। और अबे आयरस कौन बोल रहा है? ये खुला तजाद था, पूरा तजाद। इतनी महंगाई में 26 अबे घोड़ा कर दिया भाई, कैसे ले लिया? कम कर दो। ले ली, बस एडवांस पेमेंट मिली थी, एडवांस अप्रूवल नहीं हो पाई, ज्यादा फंकी शर्ट्स थी। इस महंगाई के दौर में एडवांस पेमेंट? इंग्लिश में जरा सही कर लो। मेरी इंग्लिश तो ऐसी है आपके मुंह जैसी। और सवाल पूछेंगे दूसरा कि आपके पास पैंटे और नहीं थी? उल्टा पायरामिड कभी वेखिया? इन्होंने इन्हें मोटे पेट के नीचे इन्नी छोटी छोटी टांगा वेखो, इंज लगता है सारस की टांग है। उल्टा पायरामिड हूँ मैं, उल्टा बुर्जुल खलीफा भी हूँ। और हम बात करेंगे दुनिया के खूबसूरत आदमी से। हमने कर ली वैसे बात, और दिल में नहीं चाह रहा। अब हम सूबिया से भी बात करेंगे थोड़ी सी। सूबिया हमारे शूट की सबसे कद में छोटी और उम्र में बड़ी खातून है, इनसे भी कुछ बात करेंगे। इन्होंने मुझे बताया कि इनकी उम्र 84 है, खुला तजाद है। 84 का तो मैं खुद हूँ। अब हम इनसे बात करेंगे। इनके पाँव पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बनी है, हम इनके पाँव की ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी देखेंगे। पाँव पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दी है इन्होंने। तो सूबिया हमें ये बताएं कि आप ऐसी क्यों हैं? इतना बड़ा पॉज लेती हैं आप, इतना बड़ा ऐसा पॉज लेती हैं।
तुम्हारे बीच में बोल रही थी आप मेकअप भी करती हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आप ये सब काम कैसे कर लेती हैं? आप हंसती भी मुस्कुराती भी। अब आप फैयाज साहब की तरफ चल रहे हैं। आपने एक तस्वीर भी मेरी नहीं खींची अपने कैमरे से। मैं गुजारी करता रहा, कैमरे के सामने भी आया कई दफा मैं टकरा जाऊं आपके कैमरे से। यार चौकी हो रहा है, कैमरे के अलावा भी कहीं देख ले, तू शूट हो रहा है आगे पीछे देख ले। लड़की को जिसके मुतालिक बात कर रहे हैं उसको देख, मैं आपको भी देखूंगा। फयाज भाई की तरफ उनसे तो बड़ी मुतबाना अंदाज है बात करना। अफगानिस्तान से जुगत आई है आपके लिए, इतना बड़ा कैमरे में कैसे आ रही है? मेरे लिए जुगत भी आई है नहीं सर, फयाज साहब कि मैं इतना बड़ा हूँ कैमरे में कैसे आ गया हूँ? आप बताएं, मैंने वाइड एंगल तो नहीं लगाया है? मोहम्मद फयाज, मैं बड़े मुतमाना अंदाज में उनसे बात करूंगा। बड़ी अजीम शख्सियत है हमारे मुल्क की, इनको इनको तमगा इम्तियाज भी मिला है। हम इनसे बात करेंगे दो मिनट अच्छे से। फयाज साहब मैं बड़ा मुतमाना अंदाज में झुक जाऊँ, झुक जाऊँ मैं। अरे सर नीचे आ रहा जी जी, यही मुझे लग रहा कैमरा बंद हो रहा है। नहीं नहीं, लाइट भी देख रही है, बंद हो गया, खुल गया बैटरी का बैटरी। अरे चल रहा है सर, नहीं नहीं वो बैटरी भी जल्दी करें यार। फयाज भाई, फयाज भाई के बारे में मशहूर है कि वो चाइनीज फिल्म के विलन भी है, कि ये सही है। चल रहा है ना, ये सही नहीं है, ये सही विलन बन गया तो रात को क्या होगा? खुला तजाद है, ये खुला तजाद है। नाज़रीन ये गलत फहमी है, ये डायरेक्ट थ्रेड है, ये इनको किसी ने चाइनीज फिल्म का जल्दी चल सबको करना है। और मैं बात, मुझे इनसे रात को बात नहीं करनी है, इसलिए आगे चलते हैं। मैं चलूंगा, मुझे माफी भी मांग लेते हैं सबके। डांस चल रहा है, डांस डांस डांस, कैमरे पे माफी भी मांग लेते हैं। ये नहीं नहीं सर, डांस ये डांस मोहसिन रमजान, दोनों मोहसिन रमजान का डायरेक्टर के साथ होगा। मैं डायरेक्टर के पास जाऊंगा, फिर मैं डायरेक्टर के पास आया, मुंह खोला और बात की। डायरेक्टर कौन है? मुझे नहीं पता इतना मुश्किल काम अब कैसे। दिखने में हूँ छोटा सा बंदा, आपके फिल्म में डायलॉग है मुंह काला, कैसे है और किसके लिए था? सर उन्होंने दिया, आपसे चेक कर लो। एक डायलॉग था कि काला कौवा काटता भी है, कि महाराज बबू शाह बब्बन की तरफ जाए, वैसे समय से बब्बन लगाई कौन जीतेगा? बब्बन की तरफ जाए बब्बन, और तवा हार गया बब्बन। बब्बन हम बात करेंगे मोहसिन रिजवी से, मुल्क के मायनाज मोहसिन कुरैशी से, इंतहाई मायनाज डायरेक्टर हैं। पीछे से कट कट की आवाजें आ रही है, क्यों क्यों कुरैशी, क्यों कुरैशी, क्यों कुरैशी और मोहसिन कुरैशी। हम इनसे बात करेंगे, आप एक आदमी के साथ कैसे रहे 15 दिन? इसके साथ तो 2 दिन भी आदमी मुश्किल से गुजारता है। मैं फिर सांसें बंद करके बैठा रहा था। इनके साथ तो ज़ेबरा भी 2 दिन नहीं गुजार सकता। आपने कैसे 2 दिन गुजार दिए? कितनी एडिंग करेगा आप? नाज़रीन ये देखिए, एक दिन के साथ चूहा आधे घंटे बाद भाग गया, आ रही थी इतनी रमजान रमजान रमजू चाचा रमजू चाचा। मैं दोबारा सवाल दोहराऊंगा कि आप दोनों ने 15 दिन कैसे गुजारे एक ऐसे आदमी के साथ जिसके साथ जिसका नाम बदबू शाह है, वो ये है जिसके साथ चूहा भी आधा घंटा नहीं गुजार सकता। सबसे पहले हम उठते थे और हम अपने मुंह पे यूं मान लिया करते थे, फिर हम पूरे रूम में ऐसे घुमा करते थे। चलो रमजू चाचा ठीक है भैया, बहुत टेक हो गए भैया, फिर मजा आ रहा है, चले दे दो। मैं बात करूंगा रमजान से, जिन्होंने हमसे तो बात नहीं की पूरे शूट में, कहीं और ही बात करते रहे, फोन पे लगे रहे, मसरूफ रहे, बेचारे परेशान भी रहे थोड़े, आज जा रहे हैं उनका दिल बैठा हुआ भी है थोड़ा सा, हम बात करेंगे। और आपने छुप छुप के लोगों की तस्वीरें बनाई, आप पे ये इल्ज़ाम, क्या ये सही है? बिल्कुल जानता पता है, मैंने तो पता है, लेकिन आप हमें थोड़ा सा बताएं या छुप छुप के किन से बातें करते हैं? पूछी मैन, आई एम पूछी मैन, ये की होता है पूछी पूछी मैन। चलो अब आप जहन पे जाए, जहन 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 जहन
जैन रह गया छोटे वाले जान के पास भी आऊंगा इनके पास आते ही मुझे खुशी सी हो जाती मैं ऐसा हो जाता बहुत ही अच्छे आदमी हैं बहुत ही भोले मानूस हैं और बहुत ही शरीफ आदमी हैं और रिकॉर्ड क्या कर रही है ये बता दे रिकॉर्ड क्या कर रही है मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने हमें टाइम भी दिया जैन भाई हमें ये बताइए कि आप इतनी सी उम्र में इतना बड़े बड़े काम कैसे कर रहे हैं कभी गुरूर ही नहीं किया तो पता आप बचपन से ही ऐसे हैं क्या खाते हैं हमें बताइए नाजरीन जानना चाहेंगे शाही मेवा खाते हैं बल्ले बल्ले चिप्स खाते हैं निम्कू है ओए बात सुनो पीछे से हट ये जो कैमरे पे चले जी सज्जाद पे मुझे दो बल्ले बल्ले के चिप्स सज्जाद सज्जाद फॉरेनर पे जाए कैमरे के अलावा कुछ कर लेता सर कैमरे के अलावा हमारे साथ सज्जाद भी खड़े हैं जब ये खड़े होते तो मैं ऐसा हुआ ऐसा क्यों हो जाता है मेरा मुंह अहमद फराज के ये पैदाइशी ऐसा है।